नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द एसडी न्यूज़। और आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि चिराग पासवान सांसद हैं जमुई के, और वो नवादा पहुंचे हैं। नवादा में उन्होंने उन पीड़ित परिवारों का हाल जाना है जिनकी हाल में ही पूरे परिवार ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी थी। और ये जीवन लीला इसलिए समाप्त कर दी थी, परिवार के 6 लोग ने खुदकुशी की थी। खुदकुशी इसलिए क्योंकि कर्ज के बोझ के तले जिस तरीके से नवादा का ये परिवार चैन की नींद नहीं सो पा रहा था, ऐसे में पूरे परिवार ने सुसाइड करना ही एकमात्र विकल्प समझा। ऐसे में इस खबर के बाद पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस खबर के प्रति लोगों के मन में और लोगों के दिल में गुस्सा है। गुस्सा उन कर्जखोरों के प्रति जो कर्ज देते हैं, सूद लेते हैं, और सूद के एवज में जब वो ऋण इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प बचता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर लें। चिराग पासवान ने भी आरोप लगाया है सरकार के ऊपर कि आखिर इतने घंटे बीत जाने के बावजूद सरकार क्या कर रही है, उन सूदखोरों को क्यों नहीं पकड़ पाई है, जिनके नाम है वो अब तक सलाखों के पीछे क्यों नहीं है। और ठीक पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटते वक्त ये कहते हैं कि कानून का राज रहेगा, चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। उसके बाद हम बोले कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं बताएं तो हम बोले मन नहीं लग रहा है, आओ कहीं घूम लीजिए। फिर उनको राजस्थान भेजे खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है, जाइए दर्शन करके आइए, कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भी अच्छा है मंदिर नामी है, तो हम वहाँ से भी आ गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताए। तो फिर टिकट उकट बनवाए हम साथ में ही जाके भाई का, पता चला कि कौन था, किससे पैसा लिए थे, कौन लोग तंग कर रहा था, ऐसा हम लोगों को नहीं बताए। लेकिन जो हम वीडियो में सुने हैं ना, पापा अस्मिता बुद्धि और साक्षी जो बोली है खुद से कि 6-7 लोग हैं, पापा साहब चिट्ठा पे लिख के गए, चिट्ठा मेरी दीदी पढ़ी थी थाने में, तो कहाँ लिखा हुआ था, उसने पापा नोट में लिखे हैं कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से भी लिखित रूप में इस बात का जवाब मांगूंगा कि भैया इस मौतों का जिम्मेदार कौन है। पर हाँ, कहीं ना कहीं बिहार की ये बदहाली में यही लोग जिम्मेदार भी हैं। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिम्मेदार हैं, मैं मानता हूँ यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से जिम्मेदार है। फेलियर है ये गवर्नमेंट इनका मशीनरी का पूरी तरीके से। इस सामूहिक हत्या के मामले में नवादा के लोग CBI की मांग कर रहे, परिवार भी कर रहे, इस पे क्या आवाज़ उठेगी? बिल्कुल होनी चाहिए, हम लोग भी मांग करते हैं भैया कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। नहीं भरोसा है भैया हम लोग को स्थानीय प्रशासन पे, नहीं भरोसा है, इन लोगों की मिली भगत होती है भैया, कौन नहीं जानता है। साहूकार लोग अगर इस तरीके से दबंगई दिखा पाते हैं तो कैसे दिखा पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मंथली सिस्टम सेट होता है इन लोगों के साथ, कौन नहीं जानता इन बातों को। मैं भी मांग करता हूं भैया कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, और मैं लिखित रूप में मैं केंद्र सरकार को भी मैं बोलूंगा, और मैं राज्य सरकार को भी लिखित रूप में मैं बोलूंगा कि CBI जांच की सिफारिश करे राज्य सरकार, क्योंकि इन्हीं लोगों को जांच करनी है जो लोग दोषी भी हैं इसमें, इन्हीं लोगों का हाथ भी होगा इसमें जिन लोगों को जांच करनी है। कहीं ना कहीं बिहार के सरकार CM को भी यह जानकारी होगी, लेकिन अभी तक किसी सरकार के लोगों ने कोई नहीं समझना नहीं फर्क पड़ता है, नहीं फर्क पड़ता है सरकार को, लोग जिए बिहार के लोग जिए या मरे, नहीं फर्क पड़ता है इन लोगों को। आज चिराग पासवान अगर मैं घर घर जा रहा हूँ, गांव गांव जा रहा हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि बिहार सरकार को किसी के जीने मरने से फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है मुख्यमंत्री को कोई फर्क पड़ता है? मुख्यमंत्री तो कैसे मुख्यमंत्री बने रहे, उसी की चिंता में पूरा जीवन अपना व्यतीत कर दिया, कभी इसको मुख्यमंत्री बना के, कभी उसको मुख्यमंत्री बना के, कभी इस गठबंधन कभी उस गठबंधन, उनको गठबंधनों से फुर्सत मिले तब तो बिहार की जनता के बारे में सोचिए। बताइए जो घटना राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियां बनी है, क्या उसमें प्रदेश के मुखिया का आना नहीं बनता था क्या? क्या उनका यहाँ पे आना नहीं बनता था क्या? आते यहाँ पे परिवार को ढाढ़स देते, दिलासा देते और एक कड़ी कार्रवाई करते ताकि संदेश जाता पूरे प्रदेश में कि नहीं, प्रदेश का नेतृत्व मजबूत है, इस तरीके की गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर ऐसा इनका खामोश रहना, आज इस जिले में घटी है भैया कल किसी और जिले में घटेगी, परसों किसी और जिले, क्योंकि पता है कि काम तो होना नहीं है, गिरफ्तारी होनी नहीं है, कार्रवाई होनी नहीं है, तो और दबंगई बढ़ जाएगी इन लोगों। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाही के कारण भी एक व्यक्ति की जी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए भाई। बिल्कुल, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ इस विभाग के मंत्री हैं, वो बताया इन्होंने कि किस तरीके से वो बच्ची बच सकती थी, साक्षी बच सकती थी वो, अभी तक उनका अगर उनका ठीक से इलाज होता, अगर उनको ढंग से अगर उनको दवा दिलाई जाती तो बच सकती थी वो।
क्यों नहीं किया गया भैया? वीडियो कॉल पे रास्ते में ये लोग बात कर रहे थे, उनका भी आने का फर्ज बनता है यहाँ पे। लाखों के पीछे सबको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है, पर जितने नाम है उसमें ना के बराबर अभी तक आपकी तरफ से गिरफ्तारी हुई है प्रशासन की तरफ से। तो ये तमाम बातें अपने में दर्शाती हैं भैया कि कहीं ना कहीं प्रशासन का संरक्षण ऐसे अपराधियों को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि इनका भी लेन देन चलता है प्रशासन को। ऐसे जो साहूकार होते हैं वो लोग अपनी सेटिंग प्रशासन से भी करके रखते हैं, और यही कारण है कि जब उनके गुंडे आते हैं उगाही करने के लिए तो प्रशासन के लोग आंख मूंद लेते हैं, आ जाओ करो। उनके संरक्षण में ये घटनाएं होती हैं, और बैंकिंग सिस्टम का फेलियर है कि ऐसी घटनाएं और ज्यादा उजागर हो रही है। बैंकिंग सिस्टम में भैया जिसने पहले अपना कमीशन सेट कर लिया उसको तो लोन मिल जाएगा, बट जिसने कमीशन सेट नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। और इसमें जो ईमानदार लोग हैं, जो सही में आगे बढ़ने की सोच रखते हैं, वो लोग पिछड़ जाते हैं, और ऐसी घटनाएं परिणाम स्वरूप हम लोग को देखने को मिलती हैं। ये फेलियर प्रशासन का है, ये फेलियर पूरी सरकार का है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं इस पे, भाई इतनी बड़ी घटना घटती आपको आना तक जरूरी नहीं लगता है? एक बार आते तो कम से कम उन लोगों को एक कड़ा जवाब तो जाता है ऐसे साहूकारों को कि भैया कल को हमने किसी और के साथ किया तो राज्य सरकार हम लोग के समक्ष खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से खामोश रहते हैं, इनकी सरकार जिस तरीके से खामोश रहती है, क्या बल नहीं दे रही ये लोग ऐसे साहूकारों को या उनके उगाही करने वाले गुंडों को? भैया आप आइए, सामने आइए, आप बोलिए, जिम्मेदारी लीजिए। और क्या कर रहे हैं भैया कि बिहार में किसी व्यक्ति को इस तरीके से लोन नहीं लेना पड़े? क्यों नहीं पर कैपिटा इनकम पे काम होता है? क्यों नहीं प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के ऊपर काम होता है? क्यों नहीं इस तरीके की योजनाएं बनाई जाती हैं कि हर हाथ खुद इतना सामर्थ्य हो कि भैया किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े? एक तो आपने बिहार को बदहाल करके रखा हुआ है, लोगों को मजबूर करके रखा हुआ है कि लोगों के सामने आप जाके आप हाथ फैलाएं, और उसके बाद और जो इनके गुंडे हैं भाई, कितने ऐसे उदाहरण ऐसे सामने बच्चियों को उठा के ले जाते हैं। मुझे नहीं पता इस घर में क्या क्या प्रताड़नाएं उनके गुंडों ने की होंगी, किस किस तरीके की धमकियां दी होंगी, किस किस तरीके की घटना को अंजाम दिया होगा कि परिवार इतना मजबूर हो गया कि आज एक साथ जाके उन्होंने आत्मदाह कर लिया। कौन जिम्मेदार है भैया? यहाँ का स्थानीय प्रशासन और प्रदेश के मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं है तो कौन है इन मौतों का जिम्मेदार? हत्या का मुकदमा इन सबके ऊपर चलना चाहिए, वहां पे परिवार मर रहा है, और ये लोग कभी इस थाने लेके जाओ तो कभी वहां पे लेके जाओ। क्यों लेके जाओ भैया, क्यों? उस वक्त कहां थे आप लोग? कहां था स्थानीय प्रशासन? कहां थे डीएम? कहां थे यहाँ के अधिकारी? कहां थे यहाँ के एसपी जब यहाँ पे आके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था? ऐसा तो नहीं है कि केदार जी ने किसी के समक्ष अपनी पीड़ा नहीं रखी होगी, पर उसके बावजूद आपका लालच इतना है कि आप उसी के बहाने आप ज्यादा उगाही करने की आप सोच रख रहे हैं। किस तरीके का सिस्टम है ये? और यही सिस्टम ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा हुआ है। आप चले जाइए, कोई एंटरप्रेन्योर है, कल को ये है अमित है, इनको अगर कल को कोई व्यवसाय करना होगा, कोई बिजनेस करना होगा, बैंकिंग सिस्टम में ये जाके धक्के खाते रहेंगे, इनको पैसा नहीं मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेगा, जो व्यवसाय अपना शुरू करना चाहेगा, जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहेगा, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और उसके बाद जब परिवार मजबूर होके ऐसे किसी साहूकारों के हाथ में जाएगा और उनसे जब वो पैसा लेगा तो उसके बाद उम्र भर की गुलामी वो अपनी लिखवा देते हैं। इस तरीके का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। बैंकिंग सिस्टम में आज इतने दशक बीत जाने के बावजूद वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और कौन जिम्मेदार है भैया? ये व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी होगी ना, कोई तो जिम्मेदार होगा इसका। अगर इतने साहूकार अगर उत्पन्न हो गए हैं जो कहीं ना कहीं गुंडा राज लेकर आए हुए हैं कि हम पैसा तो देंगे आपको क्योंकि आपकी जरूरत है, और मजबूरी वर्ष इंसान पैसा उनसे लेगा भी, पर उसके बाद उस पैसे को वापस लेने के लिए एकदम गुंडागर्दी, खुलेआम आप उगाही कर रहे हैं, लूट मचा रखी है। बताइए छोटी छोटी बच्चियां परिवार की, अगर परिवार ने इतना बड़ा कदम उठाया एक साथ, और भाई दुख इस बात का होता है कि ये उन बड़ी घटनाओं में से है जो सार्वजनिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी संख्या में पूरे परिवार ने एक साथ आत्मदाह की, इसीलिए आज मीडिया के साथ ही आप सब लोग भी आ रहे हैं, चर्चा हो रही है, इसका जिक्र हो रहा है, ये बातें सामने आ रही हैं। पर उन घटनाओं का क्या जो आए दिन बिहार के किसी ना किसी जिले में हो रही है, और शायद वो सुर्खियां भी नहीं बनती,
कोई एक आदमी लाचार होके परेशान होके अकेले जाके आत्मदाह कर लेता, और उसके बाद उदासीन रवैया देखिए, परिवार के साथ जिस तरीके से बर्ताव किया गया स्थानीय प्रशासन के द्वारा। एक बच्ची लंबे समय तक वो जीवित थी, उनके भाई उनकी बहन जो दिल्ली में रहते उनसे वीडियो कॉल पे बातचीत कर रही थी, एक उनके साथी जो यहीं पे थे रुद्र उनके साथ वो संपर्क में थे, उनको ढंग से इलाज ना मिलने की वजह से उनका निधन हो गया। सोचिए एक तो परिवार वैसे ही इतनी बड़ी घटना घटी, उसमें से जिनको बचाया जा सकता था उनको तक बचाने का प्रयास नहीं किया गया, और उसके बाद सिर्फ लीपा पोती की जा रही है इस विषय को लेकर, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही है? बहुत बड़ा साहस के जंगल से लोगों को संभालना चाहिए, हम लोगों को शब्द ही नहीं है कि आप लोग याद आता है हम अपने आप को रोके कि कम से कम काम करिए शांति से। तो सुना आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान ने लगातार सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं, और खास करके पीड़ित परिवार से जब वो मिलने पहुंचे नवादा तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक उन तमाम सूदखोरों को पुलिस अपने शिकंजे में नहीं कस लेती तब तक मुख्यमंत्री का लॉ एंड ऑर्डर का वो जो दावा है वो पूरी तरीके से फेल है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए ऐसे ही बने रहे एसडी न्यूज के साथ। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम, हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।